नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। महाप्रभुंकर ये जो दिव्य लीला गीतार ज्ञान आम आपण मानक आगे परेषण कर प्रभु कहीं प्रकट हूँ। ये प्रकट शब्द उपर गुरुत्व दिंतु प्रिय सज्जन, भगवान जन्म नियंती ना। आपण को यदि पचर रामंकर जन्म केवे, आपण कहे चैत्रमास शुक्लपक्ष नवमी तिथि राम जन्म, कृष्ण का जन्म भाद्रमास जन्माष्टमी, एमती राधाष्टमी, नृसिंह जन्म, बामन जन्म, सबुठ जन्म शब्द प्रयोग हो। जे संसार रे जन्म नहीं तार मृत्यु अवसंभावी। तुम देखिए शास्त्र पुराण रे अवतार बा भगवान ईश्वरंकर जन्मर समय लेखा जाय छि, मृत्युर समय आपण पाइबे नाही। ताहा प्रमाण करे भगवान जन्मर लीला करंती, किंतु वास्तव रे प्रभु प्रकट होंती। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो ज्ञान कर्म संन्यास जोगरे भगवान जोगेश्वर श्रीकृष्ण आज निजर प्रिय बंधु प्रिय सखा निजर सुहृद अर्जुन को निजर जन्म एवं निजर कर्म अत्यंत दिव्याति दिव्य बोली प्रमाण करुछंती। हे सखा अर्जुन, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यति तत्वतः। सखा त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनः। ये छोटिया कथा भगवान कहिना कले, सखा मोर जन्म एवं मोर कर्म ये दुईटा एक होचि दिव्य, केवल दिव्य नुहे दिव्याति दिव्य। आकु जो माने तत्वतः जानती, तत्व जानिले टूटे भ्रांति आम मनरे, जो भ्रांति अच्छी जो संशय अच्छी ताहा निश्चित भाव मोचन हो जीव जे तत्व संबलित गीता ज्ञान को श्रवण कर। भगवान कहुचंती मोर जन्म एवं कर्म अत्यंत दिव्य, यार अर्थ निर्मल आउ अलौकिक। दिव्य कहले कौन, यह निर्मल मलशून्य एवं अलौकिक, या लौकिक नुहे। जमती तुम्हें आम जन्म होचे सेमती नुहे भगवान लीला कले अलौकिक। यहाँ जो मनुष्य तत्व तो जाने, यार अर्थ भगवान धर्म स्थापना करिबा निमंते ओ संसार को उद्धार करिबा निमंते निजर जुगमाया बल रे सगुण स्वरूप ही प्रगटित होती। तेणु तांक समान सुहृद प्रेमी ओ पतित पावन द्वितीय ये संसार रे केही नामती। ईश्वर होचंती एक अविनाशी सनातनी। तेणु प्रिय सज्जन, यह बुझिपारि जो माने परमेश्वर को अनन्य प्रेम रे निरंतर चिंतन करंती, निजर चिंता और चेतना को चिंतामणि पदारबिंद समर्पित कर दियंती, से होचंती संसार धन्य। हे सखा, तुम्हें यह तत्व तो जानिबार अछि। आज अर्जुन जिज्ञासुर मनोभाव नहीं भगवान का मुखारबिंदर गीतार ज्ञान को श्रवण करण कहते, वीतराग भय क्रोध मन्मया ममोपासिता बहवो ज्ञान तपसा पुता मद्भाव मागता। सखा पूर्व काल रे जो माने बा पूर्वे जो मानकर राग भय क्रोध सर्वथा नष्ट हो जाए थिला, जो जोगी संत माने
ना थिला तांकर भय न थिला तांकर राग ना थिला तांकर क्रोध जो माने मोठारे अनन्य प्रेम पूर्वक तन्मय होई रही थिले कारण राम केवल प्रेम पियारा सुमोरी सुमोरी नारा उतर ही पारा मो प्रेमरे जो माने तन्मय हो जाइछंती मोते आश्रय करी रही थिबा सेई सब भक्त उपरुक्त गीता ज्ञान रूपक तपस्या द्वारा पवित्र हो जामती एवं मोर स्वरूप पाई सारिछंती सारूप्य मुक्ति ए होची गीतार एक अमूल्य उपदेश बाणी भगवान कहउछंती जे यथामं प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहं जे मोते भजई जेऊं परि मुतांकु भजई सही परि जे जेमिति भजन करिब प्रभुंकु कहले सखारे जे मोते भजई जेऊं परि मुतांकु भजई सही परि ए संसारे कर्म फल आशा करी ए संसारे कर्म फल आशा करी देवता पूजंती सर्वजन सुण गीता ज्ञान सुण गीता ज्ञान सुण गीता ज्ञान सुण गीता ज्ञान जे भक्त माने जेउ परी भजन करंती मु सही परी सेमानंकु भजन करे कारण मनुष्य माने सब प्रकार मोर ही मार्ग को अनुसरण करिथांती तनु ईश्वर को जे जेमिति चिंतन करिवो ईश्वर तांकु मध्य सेही बडी चिंतन करिवे कांक्षंत कर्मणा सिद्धि में जदंत इह देवता क्षिप्रं ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा ऐ मनुष्य लोकरे कर्म फल आशा करी लोक माने देवता पूजा करंती देवता पूजा करिवार अनन्य कारण किछि भी नहीं से माने कर्म फल आशा करी थांती कारण से माननकु कर्म रु उत्पन्न होतबा सिद्धि शीघ्र मिल जाए तनु कर्मटा किभली करिवा उचित केउभली कर्म करिवा उचित भगवान ताहाकु एक प्रेरणाप्रद ज्ञान प्रदान करुछंती अर्जुन रे कर्म फलर सिद्धि पाइबा पाई जीव जतेबले देवता आराधना करे सेतेबले कलि युगरे आमे कहुचु पूजार फल पाउने काहेकि ई पूजार फल आमे पाउने काहेकि सिद्धि काहेकि पाउने आ सिद्ध पुरुष तो समाज रे अछंती आमे जो सिद्धि पाई पारुने से सिद्धि पाई सिद्ध पुरुष महापुरुष निकट को जाई तांको ठारु आमे जानिबा दरकार तांको कर्मर सिद्धि से प्राप्त होतिला बळे आम कर्मर सिद्धि आमे पाउनु काहेकि ए होची बड़ प्रश्न चातुर्वण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागस तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्यम भगवत गीता रे भगवान स्पष्ट कहुचंती ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ए चारि जाति नुहंती ये चारि होची वर्ण वर्ण व्यवस्था कथा भगवान आनुचंती ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र गुण कर्म हेतु चारि भाग मानव तो जणे से तांकु चारि वर्ण रे विभक्त कले भगवान जाति तयारी करी नामती जाति मनुष तयारी करिछि आमे जहाँ को जाति बोली कहुचु ताहा संपूर्ण मिथ्या ताहा होची ईश्वर प्रदत्त वर्ण गुण एवं कर्म अनुसारे
ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ସଖା ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଚାତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ମୟା ସୃଷ୍ଟ ଗୁଣ କର୍ମ ବିଭାଗସ ତସ୍ୟ କର୍ତ୍ତାରମପି ମାଂ ବିଦ୍ଧି ଅକର୍ତ୍ତାରମବ୍ୟୟମ୍। ଏ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ସମୂହ ଗୁଣ ଏବଂ କର୍ମର ବିଭାଗ ପୂର୍ବକ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେହି ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ଆଦି କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ମୁଁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହେ ସଖା ତୁମେ ମୋତେ ସେହି ଅବିନାଶୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବସ୍ତୁତଃ ଅକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଜାଣ। ମୁଁ ତାର କର୍ତ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ଅବିନାଶୀ ପରମାତ୍ମାକୁ ତୁମେ ଅକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କର, ଜାଣ। ଭଗବାନ ନିଜ ଜନ୍ମ ଆଉ କର୍ମର ଦିବ୍ୟତ୍ୟାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ଆଗକୁ କ'ଣ କହିବେ ସେ କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।